वीडियो देखने से पहले डिस्क्लेमर को अवश्य पढ़ लें। कौन से स्टॉक में शॉर्ट टर्म में खरीदारी करें, कौन से स्टॉक मीडियम टर्म के लिए अच्छा है, किस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस स्टॉक में मोमेंटम बहुत अच्छा है जिससे कि बहुत जल्दी इसमें प्रॉफिट मिल सके, ये सब जानने के लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विस को सब्सक्राइब करिए। हमें मेल भेजिए pankaj.soni.3881@gmail.com पर, व्हाट्सएप करिए 9755327124, डिस्क्रिप्शन में देखिए, पेमेंट करिए और सर्विस को एक्टिवेट कर लीजिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज आपको मिलती रहे। आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। आज हम जिस कंपनी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो है GSPC ग्रुप, एनर्जी एंड बियॉन्ड। आप जानते हैं कि किसी देश को चलाने के लिए एनर्जी की बहुत आवश्यकता होती है। देश तो छोड़िए, अगर हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले चाय बनाते हैं और चाय बनाने के लिए हमें गैस की जरूरत होती है, गैस सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। मतलब सुबह की शुरुआत ही हमारी गैस से होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट सेक्टर है जिसकी हम बात करने वाले हैं। और GSPC गैस और एनर्जी में काम करने वाली एक कंपनी है। तो GSP ग्रुप के बारे में बात करेंगे आपसे, इसकी फाइनेंशियल फंडामेंटल्स की बात करेंगे, कंपनी के कारोबार की बात करेंगे, कितनी ग्रोथ होगी इसमें, इसके स्टॉक प्राइस में निवेश करके हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है, इसके शेयर्स को कैसे खरीदें, कब खरीदें, कितना टारगेट होगा, कितना प्रॉफिट होगा, कब तक होल्ड करना पड़ेगा और कब तक इसको होल्ड कर सकते हैं इस कंपनी के स्टॉक को, सारी बातों का उत्तर मैं आपको दूंगा। इसके लिए आप हमारे वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने वाले हैं। तो कोई भी डाउट होने पर वीडियो को रिपीट करके दो बार तीन बार देखिए, श्योर होने के बाद ही अगर आपको लगता है कि इस स्टॉक में निवेश करना सही है तभी करिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी संपर्क डिटेल्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं, GSPC ग्रुप एनर्जी एंड बियॉन्ड। आपके सामने कुछ पिक्स फ्लैश हो रही हैं जो कि इनके प्लांट्स की हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इनका बिजनेस क्या है, कैसे काम करते हैं ये। ग्रुप कंपनीज, तो पहले हम इसकी ग्रुप कंपनीज को आपको बता दें कि GSPC ग्रुप में कौन कौन सी कंपनी है। तो GSPC एट अ ग्लेंस, GSPC इज वन ऑफ द लीडिंग ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन कंपनीज इन इंडिया। वी आर ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट गैस ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि GSPC जो है इंडिया की लीडिंग कंपनी में से एक है जो कि गैस का उत्पादन करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं। GSPL एट अ ग्लेंस, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड वॉज सेटअप टू कंप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ GSPC, वाइल GSPC हार्नेस एंड प्रोड्यूसेस नेचुरल गैस, GSPL इज बिल्डिंग। तो GSPC जो है नेचुरल गैस में भी काम करते हैं, पेट्रोलियम में भी काम करते हैं। GSPL इंडिया गैस नेट लिमिटेड इज अ स्पेशल पर्पज व्हीकल प्रमोटेड बाई GSPL अलॉन्ग विथ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो इंडियन ऑयल के साथ भी इनका संबंध है और उनके साथ मिलकर कारोबार करते हैं। तो ये थी ग्रुप कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन। चलिए इनके विजन के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्या है इनका विजन। टू बी ए ग्लोबली कॉम्पिटिटिव ENP एंड ट्रेडिंग कंपनी विथ स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट लीडरशिप एंड इंटीग्रेशन इन दी ऑयल एंड गैस वैल्यू चेन, मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वैल्यू एंड रिस्पॉन्सिव टू कस्टमर्स एंड एनवायरमेंट। तो सस्टेनेबिलिटी के भी लिए काम करते हैं, बिजनेस तो करते ही हैं, साथ ही शेयर होल्डर्स का भी ध्यान रखते हैं, उनकी वैल्यू और रिस्पॉन्स देते हैं। श्री पंकज कुमार IAS चेयरमैन GSPC के हैं। ग्रुप कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा मैं। GSPC ग्रुप कंपनीज हैं GSPC, GSPL, GIGL, GITL, GGL,
SGL, GPPC, GSCG, GIPL, GSPC, LNG, GERMI, इनकी ग्रुप कंपनीज हैं। गुजरात ऑफ स्टेट्स, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के अंतर्गत काम करने वाली ये कंपनी है। GSPL की कुछ पिक्चर्स आपके सामने फ्लैश हो रही हैं, इनको ध्यान से देखिए जिससे आपको इनके कारोबार का पता चलेगा। रसोई गैस GSPL के द्वारा बनाई जाती है, प्रोड्यूस की जाती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ये प्लांट का पिक्चर है जिसको आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। ये शिप के द्वारा ट्रांसपोर्ट करते हैं नेचुरल गैस का। इनके प्लांट्स की कुछ तस्वीरें आपके सामने फ्लैश हो रही हैं। विंड एनर्जी पर काम करते हैं। यहां हम मेनली आपको जीएसपीएल के बारे में बताएंगे। जीएसपीएल इज इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसमिशन कंपनी। तो जीएसपीएल जो है इसकी रैंकिंग सेकेंड नंबर पर है। नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसमिशन कंपनी है ये। पिक्चर आपके सामने फ्लैश हो रही है। जीएसपीएल एट अ ग्लेंस, जीएसपीएल के बारे में हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड जीएसपीएल वॉज सेट अप टू कंप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ जीएसपीएल व्हाइल जीएसपीसी हार्नेस एंड प्रोड्यूसेस प्रोक्योर्स नेचुरल गैस। जीएसपीएल इज बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट ट्रांसमिट द गैस क्रॉस द स्टेट ऑफ गुजरात एंड अल्टीमेटली अलाउज लास्ट माइल लिंकेज टू द एंड यूजर। तो जीएसपीएल गैस का प्रोडक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और एंड यूजर तक पहुंचाते हैं। जीएसपीएल इज लेइंग अ गैस ग्रिड टू फैसिलिटेट गैस ट्रांसमिशन फ्रॉम सप्लाई पॉइंट्स टू डिमांड सेंटर्स। तो ये गैस पाइपलाइन का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि गैस को ट्रांसमिट किया जा सके सप्लाई पॉइंट से डिमांड सेंटर तक। स्टेट ऑफ द आर्ट नेटवर्क, द गैस ग्रिड इज इक्विप्ड विद द लेटेस्ट बाई डायरेक्शनल गैस ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी टू इनेबल टू वे गैस फ्लो। दिस इंट्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन टू ट्रांसमिशन बाई अलाइंग गैस टू बी सोर्स्ड और अपलोडेड एट ईदर एंड ऑफ द पाइपलाइन नेटवर्क। बिसाइड्स द नेटवर्क इज कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड यूजिंग SCADA सिस्टम इंटीग्रेटेड विथ GIS टेक्नोलॉजी। तो GIS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये पूरी पाइपलाइन को ट्रैक करते हैं और गैस के नेटवर्क को कंट्रोल करते हैं। इनकी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन पाइपलाइन नेटवर्क। अनदर इनोवेशन इज इन दी ओपन एसेस और कॉन्ट्रैक्ट कैरियर प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन। दिस अलाउज एनी गैस ट्रांसमिशन कंपनी टू अप्रोच जीएसपीएल फॉर परमिशन टू यूज द नेटवर्क ऑन पेमेंट ऑफ द रिक्वायर्ड चार्जेस। दस प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन गैस ट्रांसमिशन इज इंकरेज्ड विच मेक्स मोर वॉल्यूम अवेलेबल फॉर कस्टमर्स। तो इनके ट्रांसमिशन की और ग्रोथ इस कंपनी में होने की संभावना है। इनके पाइपलाइन नेटवर्क के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जीएसपीएल हैज ऑलरेडी पुट इन प्लेस अ पाइपलाइन नेटवर्क ऑफ अबाउट 2700 किलोमीटर एंड फर्दर एक्सटेंशन ऑफ पाइपलाइन नेटवर्क इज गोइंग ऑन। द कंपनी हैज साइंड गैस ट्रांसमिशन एग्रीमेंट्स विथ वेरियस इंडस्ट्रीज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नेचुरल गैस फ्रॉम वेरियस सप्लाई सोर्सेस इन गुजरात। प्रेजेंटली द कंपनी ट्रांसमिशन ओवर 37 mm SCMD ऑफ नेचुरल गैस। तो इनकी 2700 किलोमीटर की पाइपलाइन है जिससे ये गैस का ट्रांसमिशन करते हैं। साथ ही अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करने के लिए दूसरी गैस कंपनी को भी ये इस्तेमाल करने की अनुमति देते हैं अपने नेटवर्क का, जिससे कि डिमांड जो है गैस की फुलफिल की जा सके गुजरात स्टेट में।
और इससे वो रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं। अब हम बताएंगे कि जीएसपीएल के शेयर्स आप कैसे खरीदें। तो जीएसपीएल के शेयर्स या स्टॉक खरीदने के लिए मैं आपको लेकर आया हूं ग्रो की वेबसाइट। यहां पर मैंने जीएसपीएल का स्टॉक या शेयर ओपन कर दिया है। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट गैस यूटिलिटीज पर काम करने वाली है कंपनी। स्टॉक प्राइस 297.85 है और एक दिन में इसमें 1.05% की तेजी देखी जा रही है। 1 वीक की बात करें तो 1 वीक में 4.39% की गिरावट आ चुकी है, और 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में 2.48% की तेजी है। 1 ईयर में 47.45% का रिटर्न दे दिया है, जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न पेश किया है इस कंपनी ने एक साल के अंदर। 3 साल में इसने 68.37% का रिटर्न दिया है और 5 ईयर्स में 95.31% का रिटर्न दिया है। मतलब 5 साल में ही इसने अपने निवेशकों का जो धन है दोगुना कर दिया है। बहुत अच्छा रिटर्न दिया है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट ने। अब इसके टेक्निकल चार्ट को हम देखकर बताएंगे कि क्या इसमें अभी भी निवेश के अवसर उपलब्ध हैं, क्या क्या अभी इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए या नहीं। इस सारी बातों की जानकारी आपको मिलेगी थोड़ी ही देर में। देखिए, ये 50 MA की लाइन है और ये 200 MA की लाइन है। ये स्टॉक नीचे कब गिरता है ये आपको पता होना चाहिए। ये स्टॉक नीचे तब गिरता है जब यहाँ पर सेलर्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है। देखिए, यहाँ पर सेलर्स के वॉल्यूम बहुत बढ़ चुके हैं, इसलिए स्टॉक में कंटिन्यूस गिरावट हुई है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे कि बायर्स के जब जब वॉल्यूम बढ़ते हैं तो इसके स्टॉक प्राइस में तेजी देखी जाती है। तो यहाँ पर स्टॉक प्राइस में तेजी आई तो यहाँ पर बायर्स के वॉल्यूम भी बढ़ गए हैं। ठीक है, तो ऐसे ये स्टॉक कंसोलिडेट होता है लंबे समय तक। और यहाँ पर देखिए, रेंज बाउंड इसमें ट्रेडिंग हुई है। 50 MA और 200 MA के बीच में रेंज बाउंड रहा है ये, और फिर यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये 50 MA और 200 MA का मीटिंग पॉइंट है, और इस लेवल पर इस स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट आया है और स्टॉक जो है इसमें एक अच्छी ग्रोथ दिखी। यहाँ पर बायर्स का वॉल्यूम भी बढ़ गया और स्टॉक में अच्छी खासी रैली देखी गई। लेकिन यहाँ पर फिर सेलिंग प्रेशर है, जिससे स्टॉक में फर्दर गिरावट हुई है। और अब जो है बायर्स यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन इसका RSI 43 है। तो किस लेवल पर आप इसमें एंट्री करें जिससे कि आपको अधिक से अधिक मुनाफा हो, तो आप इसके 200 जो MA है, ये जो है 50 MA के लेवल को तोड़ने दीजिए और इसके बाद 200 MA के लेवल को क्रॉस करने दीजिए। और जब स्टॉक प्राइस जो है अभी जो चल रहा है 297, तो अगर ये लेवल जो है 311 के बाद आता है, अगर ये 311 या 312 के लेवल को क्रॉस करता है और इसमें एक सस्टेनेबिलिटी बनती है कुछ दिनों के लिए, तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं और वो आपके लिए एक बेस्ट बाइंग होगी। इस स्टॉक के बारे में और भी जानकारी आपको देनी है। 52 वीक लो जो है 190.90 का है और 52 वीक हाई है 379.20। तो 52 वीक हाई से स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। एनालिस्ट का क्या मानना है इस स्टॉक के बारे में? तो 80% एनालिस्ट बोल रहे हैं कि इस स्टॉक को खरीदना चाहिए, 12% होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं, 8% सेल करने के लिए बोल रहे हैं। मार्केट कैप है 16,630 करोड़ का, इनका मार्केट कैप है। पी रेशियो 10.34 है, तो पी की दृष्टि से ये स्टॉक बहुत ही अंडर वैल्यूड है क्योंकि पी इसका बहुत कम है। पीबी 2.60 है, इंडस्ट्री पी 16.47 है, तो अपने इंडस्ट्री पी से कम पी पर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। रिटर्न ऑन ऑन इक्विटी इनकी बहुत ही शानदार है, 28.50 की रिटर्न ऑन इक्विटी है। ईपीएस 31.82 का है, डिविडेंड यील्ड 0.68% की है, बुक वैल्यू 127.33 है। तो इनके फंडामेंटल्स कमाल के हैं, आरओई शानदार है, पी रेशो बहुत ही अट्रैक्टिव है, पीबी भी ठीक ठाक है और अपने इंडस्ट्री पी से कम पर ट्रेड कर रहा है। मिड कैप की कंपनी है और बहुत ही डिमांडिंग कंपनी है क्योंकि गैस सेक्टर का डिमांड बहुत ज्यादा है। फाइनेंशियल्स की बात करेंगे क्वार्टरली, तो आप देख पा रहे हैं कि पिछले क्वार्टर से इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सितंबर 21 के क्वार्टर में प्रॉफिट जो है इनके थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं सितंबर 21 में। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ में लगातार तेजी देखी जा रही है, हर एक क्वार्टर में नेटवर्थ इनकी बढ़ रही है। ईयरली नेटवर्थ में एक बहुत अच्छी अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है।
प्रॉफिट जो है इनके लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन 2021 में इनके प्रॉफिट थोड़ी से कम हो गए हैं। रेवेन्यू इनके लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन 2021 में इनके रेवेन्यू थोड़ी सी कम हो गई है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड के नाम से, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री पंकज कुमार हैं। फाउंडेड है ये कंपनी 1998 में, तो 23 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं इस कंपनी को। एनएसई सिंबल जीएसपीएल के नाम से है। प्रोमोटर्स के पास 37.63% की होल्डिंग है, रिटेल एंड अदर्स के पास 24.37% की होल्डिंग है, और म्यूचुअल फंड के पास 21.39% की होल्डिंग है। टॉप म्यूचुअल फंड ने इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है, यह है टाटा लार्ज एंड मिड कैप 2.95%, आईडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर 2.77%, एसबीआई मैग्ना मिड कैप 2.68%, और मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप तो 2.636% की इसमें होल्डिंग बना के रखी है। और भी बहुत सारी जानकारी इस स्टॉक के बारे में आपको होनी चाहिए, जिससे कि आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। तो 3 नवंबर 2021 को इनकी बोर्ड मीटिंग हुई थी। बोनस राइट एंड स्प्लिट जैसे भी कोई न्यूज नहीं है। डिविडेंड इन्होंने 8 सितंबर 2021 को 2 रुपीज का डिविडेंड दिया था। क्या न्यूज निकल कर आ रही है इस स्टॉक के बारे में, आपके लिए जानना जरूरी है। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट अपॉइंट्स डायरेक्टर, तो अभी इसमें नए डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है। अब हम इसके टारगेट भी बता देते हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर पर मैं आपको लेकर आया हूं, एमके ग्लोबल की तरफ से टारगेट दिया गया है। उन्होंने बोला है बाय गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट को बाई कर सकते हैं। जीएसपीएल को बाई करिए, टारगेट मिलेगा आपको 430। कब तक होल्ड करना है इस स्टॉक को? 1 ईयर, 1 साल तक इस स्टॉक को होल्ड करिए, और जब भी आपको टारगेट दिखता है 430 रुपीज का, तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कौन से स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए अच्छे हैं, कौन से स्टॉक मीडियम टर्म के लिए, किन स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, टेक्निकल पिक क्या होते हैं, कौन से स्टॉक ऐसे हैं जो कि बहुत ही कम समय में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, सब सारी जानकारी मिलेगी। आप हमारी प्रीमियम सर्विस को सब्सक्राइब करिए, मेल करिए हमें pankaj.soni.3881@gmail.com पर, व्हाट्सएप करिए 9755327124 पर। डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, पेमेंट करिए और सर्विस को एक्टिवेट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे शेयर मार्केट की अपडेट्स और न्यूज आपको समय समय पर मिलती रहें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।